This is Farina Sahar, Education Department, City College of Science and Commerce. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन का फर्स्ट ईयर का टेस्ट नंबर टू राउंड नंबर फोर का. सबसे पहले हम अपने MCQs की तरफ जाएंगे. सबसे पहला MCQs है आपका तालुम के किरदार में मुस्तक की तब्दीली के क्या कहलाती है. चार ऑप्शंस हैं आपके पास. बी ऑप्शन करेक्ट है, जो मेंशन भी किया गया रेड कलर में. तहरीक फर्द की कैफियत कौन सी है जी? दाखिली कैफियत है. उसके बाद है थ्री, कवानीन तालुम पेश किए गए. थॉर्न टाइक आपके बुक में मेंशन है ये चीज़. खुद बार बार करके किसी अमल को सीखना तालुम की किस्म है. कौन सी किस्म कहलाती है जी? बी ऑप्शन है आपका बजरिया इल्म. फिफ्थ MCQs है, कौन सा कानून तालुम के कवानीन में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन है, पहले तीनों आपके कवानीन हैं, जो डी ऑप्शन है कानून तरमीम वो शामिल नहीं है. फिर है जी आपका MCQs नंबर सिक्स, कानून तालुम की तादाद आपकी दरसी किताब में कितनी दर्ज है? तो वो तीन है कवानीन, जो अभी पिछले MCQs में भी आपके गुजरे हैं. किसी काम के लिए गरमाने का अमल क्या कहलाता है? इसमें कानून आमादगी. आमादगी आपको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर एक तहरीक पैदा करनी होती है, वो आमादगी के अमल में शामिल होती है. MCQs नंबर एट, नकाली का अमल कब तक जारी रहता है? जी ये तमाम उम्र जारी रहता है. इंसान सारी ज़िंदगी दूसरों को कॉपी करके कोई ना कोई अमल सीखता रहता है. MCQs नंबर नाइन, तालुम से मुतलका हैं जी तजर्बा, तब्दीली, अमल, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो तमाम के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे. MCQs नंबर टेन, तालुम के नज़रिए रब पेश किया. ये भी सिंपल सा है, आप सबको पता है थॉर्नडाइक ए ऑप्शन, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है. अब हम इसके साथ ही आगे चलते हैं आपके हिस्सा इंशाए की तरफ, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस शामिल हैं. तो इसमें से मैं जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो ज़रा टेक्निकल आंसर्स वाले हैं, वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं. तो हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन नंबर वन की तरफ जाते हैं. तालुम बज़रिए तकलीद से क्या मुराद है? इसमें मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है कि आप जब भी अपने अल्फाज में कोई डेफिनेशन वहाँ पुट करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ऐड नहीं होंगी तो आपके मार्क्स कट होंगे. तालुम ज़रिए तकलीद से मुराद की इसमें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो वर्ड है तकलीद, और उसमें से हमने जो लेना है लफ्ज़ वो है नकल. नकल क्या होती है? दूसरों को काम करते हुए देखना फिर उसको दोहराना. और इसमें हमें दो कम अज़ कम मिसालें ज़रूर ऐड करनी है ताकि आपको प्रॉपरली दो नंबर ज़रूर मिलें. मिसालों में आपने अल्फाज का बोलना, हमारी वोकेबलरी शामिल है, और उसके अलावा तुलबा का लेबॉर्ट्री में तजर्बात करना, अपने टीचर्स को देखकर वो भी कॉपी करते हुए करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तालुम पर असरअंदाज होने वाली दो रुकावटें कौन सी हैं? इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके क्वेश्चन में मेंशन है वो है रुकावट. आपने ये देखना है कि लर्निंग करते हुए कौन सी चीज़ है जो आपको रोकती है, या जो आपको कोई भी काम करने में रुकावट का पेश करना है. तो उसमें ये तमाम चीज़ें मैंने एनलिस्ट की थी, तो उसमें से तीन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, आप खुद देख लीजिएगा. थकन, बोरियत, बीमारी, हेडिक है, मूड ख़राब है, कोई और प्रॉब्लम है, भूख लगी हुई है, तो ये तमाम चीज़ें भी आपके तालुम में रुकावट का बाइस बनती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलचस्पी से क्या मुराद है? दिलचस्पी से क्या मुराद है? इसमें जो इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं आपकी, दोनों मेंशन की गई हैं, तस्कीन और परत, और फिर है शौक़ और लगन. दिलचस्पी इन चार चीज़ों पे मुहित है कि आप वही काम करते हैं जिसमें आपको आप रिलैक्स फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, या कोई काम करने का आपको शौक़ होता है या आपके अंदर लगन होती है, तो इन चीज़ों को आपने इसके अंदर मेंशन करना है. उसके अलावा थर्ड पॉइंट पे आपने लिखना है कि दिलचस्पी जो है वो क्या है, आपकी एक अंदरूनी ख्वाहिश है, आपके अंदर से पैदा होती है ख्वाहिश. हाँ, इसमें ये हो जाता है कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है उम्र के लिहाज से, आपकी ख्वाहिश चेंज होती रहती है, आपकी दिलचस्पी चेंज होती रहती है. छोटे बच्चों की ख्वाहिशात और होती हैं, बड़े होते जाते हैं, एज के साथ साथ उनकी ख्वाहिशात चेंज होती जाती हैं, उनकी दिलचस्पियाँ भी बदल जाती हैं. इसी तरह आपके जिन्स है, लड़कों की दिलचस्पियाँ और होती हैं और लड़कियों की दिलचस्पियाँ और होती हैं, तो ये भी आप इसके अंदर ये दो चीज़ें मेंशन करेंगे. उसके बाद है आमादगी से क्या मुराद है? आमादगी में बेटा आपने दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और इन दोनों को आपने बीच में मेंशन करना है. पहली चीज़ है फ़र्द में सलाहियत या इस्तेदाद का होना. कोई भी काम सीखने के लिए दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं. पहली चीज़ कौन सी है? कि आपके अंदर वो काम करने की कैपेबिलिटी है या नहीं, आपके अंदर वो सलाहियत है या नहीं. जैसे जानवर को अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी तो वो लिख नहीं सकता, लेकिन इंसान को सलाहियत दी है, वो लिखता है, इस तरह ये आपकी एक सलाहियत होगी.
इसी से दूसरी चीज है फर्द में ख्वाहिश या तमन्ना का होना. अगर इंसान को विलिंगली कोई काम नहीं करना चाहता तो आप उसको ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए राजी नहीं कर सकते. होता क्या है कि बाज़ औक़ात आप ज़बरदस्ती भी कोई काम मार के खौफ से कर लेते हैं लेकिन आपका ताल्लुक अच्छे लेवल का नहीं होता या उसके अंदर बहुत सी कमी कोताही रह जाती है. तो आम आदमी में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों चीज़ें आपने बीच में मेंशन करनी है. तालुम के ज़रिए बसीरत से क्या मुराद है? बसीरत आपको पता है फहम और दराक को कहते हैं, सेंस को कहते हैं. किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार कर कोई अमल करना. तो इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन स्टेप्स हैं, उनको आपने लिखना है. साबका इन प्रीवियस नॉलेज आपके अंदर कोई हो और या कोई महारत हो आपके पास या कोई स्किल हो, तो आपके पास जब कोई नया मसला आता है तो आप अपनी प्रीवियस सारा नॉलेज इकट्ठा करते हो और एक शौरी कोशिश करते हो और मसले का फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करते हो. इसमें मैथमेटिक्स के सवाल आप देख सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज होता है. कोई नया सवाल आपके पास आता है तो आप पुराने फार्मूलाज को जहन में लाते हो और फिर देखते हो कि आप कौन सा फार्मूला यहाँ पर पुट करके इस मसले का हल निकाल सकते. फिर है जी वकूफ़ी नज़रिया. तालुम से क्या मुराद है? इसमें आपने मेंशन करना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वकूफ़ का ताल्लुक आपके जहन से होता है, माइंडसेट से है. आपके जो ज़ाहरी अमाल हैं, जो ज़ाहरी हरकत हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता. इस नज़रिए के मानने वाले लोगों का ये कहना था कि इंसान जो जहन में सोचता है, जो जहनी तौर पर उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो उसी तरह का रिएक्शन शो करता है. ये ज़ाहरी इल्म के बरक्स होता है. फ़र्द की वकूफ़ी कैफियत फैसला करती है कि किसी भी मुहीज का क्या रद्द अमल देना है. इसमें आपकी जहनी सलाहियतें मैटर करती हैं, आपके जज्बात कितने कंट्रोल्ड हैं या कितने अनकंट्रोल्ड हैं, या आपका फहम और अदराक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि आपका जहन किस लेवल पर सोचता है, आप उसी किस्म का रिएक्शन शो करते हैं. फिर है जी तहरीक से क्या मुराद है? तहरीक एक दाखिली कैफियत है. ये वाली लाइन आपने लाजमी लिखनी है पहली ही लाइन में, ताकि एग्जामिनर को ये बात शो हो जाए कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि तहरीक आपके अंदर से निकलती है, ये एक दाखिली कैफियत है. इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी इसमें मुहर्रिक इंपॉर्टेंट है, जो दो किस्म का होता है. ये मुहर्रिक अंदरूनी भी होता है और बैरूनी भी होता है. अंदरूनी मुहर्रिक में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अंदर से कोई चीज़ पैदा होना, जैसे आपके अंदर कोई शौक पैदा हो गया, कोई लगन है, कोई ख्वाहिश है, या आपका कोई रुझान है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके अंदर की लगन है. अच्छा, दूसरी चीज़ है जी बैरूनी मुहर्रिक, बाहर से कोई आपके ऊपर फोर्स आ जाती है, आप उसको फुलफ़िल करने के लिए भी मुकम्मल कर सकते हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स, मुल्की हालात, सियासी हालात, घर के हालात, कोई भी चीज़ आपको इम्पोज कर सकती है कोई भी काम करने के लिए. तालुम बज़रिया अमल से क्या मुराद है? इसमें सिंपली आपने बहुत ज़्यादा डेफिनेशन को फोकस नहीं करना, इसमें आपने एग्जाम्पल्स को फोकस करना है, क्योंकि सवाल ही ऐसा है कि तालुम बज़रिया अमल से क्या मुराद है, मतलब इसमें ऐसा काम जो आप अमली तौर पर करते हो, प्रैक्टिकली जो आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो, वो तालुम बज़रिया अमल कहलाता है. इसमें आपने एग्ज़ाम्पल्स देनी है. पहली एग्ज़ाम्पल आप सिंपल सी है, खुशकती, वो दे दीजिएगा कि खुशकती आप सिर्फ लेक्चर्स लेने से अपनी राइटिंग को अच्छा नहीं कर सकते जब तक कि आप प्रैक्टिकली अपनी राइटिंग पर फोकस नहीं करेंगे. इसी तरह तकरीर, स्पीचेस आप जितनी भी तैयार कर लें, जब तक आप स्टेज पर जाकर तकरीर नहीं करेंगे तब तक आप तकरीर करना नहीं सीख सकते. इसके अलावा और आपकी सारी महारतें, टाइपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये तमाम चीज़ें आपकी महारतें हैं, ये भी अमल के बगैर इम्पॉसिबल है. ये थी आपकी तमाम शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कशन. बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में आपसे मुलाकात होगी.